बेहद ही शानदार है भैया, ठीक है। जो हमने पहले भोलेनाथ जी की देवरी हमने देखी थी, हम घूमने गए थे, वो भी हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ से आप कम 10-12 गांव यहाँ से आपको दिखाई देंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा यहाँ से आप सारा देख सकते हैं। और अब ये जो मुख्य मंदिर है वहाँ के हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय माता दी, जय भवानी। ये आप सामने देखिए, गुटसूर्या गांव है और यह पूरा अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा है। और यहाँ गुटसूर्या जो गांव है ये तो बहुत ही आसानी से यहाँ आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से पास में से ही अपने ये जोधपुर वाला हाईवे निकल रहा है और जोधपुर हाईवे से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। ये बोरुंदा से भी इधर से आप आ सकते हैं, नागौर से या इधर पाली से भी आप आसानी से बिलाड़ा के रास्ते यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ ज़रूर घूमने आए, माता जी के यहाँ दर्शन करने ज़रूर आए। और यहाँ की लोकेलिटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शानदार यहाँ के नज़ारे हैं। जय माँ चामुंडा, जय माता दी। चढ़ाओ ऊपर से, चढ़ाओ। तो दोस्तों ये जो मंदिर है माता जी का, ये देव सिंह जी मेठ या बोरुंदा रियासत के ठाकुर साहब हुए थे। 1801 ईस्वी के अंदर उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। शुरू में ये मंदिर केवल यहीं तक सीमित था। इसके बाद में अभी कुछ 2-4 साल पहले 2017-18 के बीच में इसका सारा निर्माण कार्य जो है वो कम्प्लीट करवाया गया है। तो अब आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, यहाँ ठहर सकते हैं, यहाँ सारी आपको सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलेगी। आप यहाँ पर 2-4 दिन रुक भी सकते हैं, यहाँ भंडारा कर सकते हैं, जागरण भी करवा सकते हैं। तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको मिल सकती है, तो ज़रूर यहाँ पर आए आप। जय चामुंडे माँ। चलिए वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय हिंद।